Hello, Assalamualaikum. My name is Akshan Sheikh. I am from class 8. My school name is Mikaza Educational Foundation. My topic is chemical properties of metals and non-metals. Subject is chemistry. Point number 1. Reaction with oxygen. Both metals and non-metals when burnt in oxygen form the oxide. चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, जब भी हम उनको ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे वो अपना कुछ ना कुछ रिएक्शन दिखाएंगे या कोई ना कोई ऑक्साइड दिखाएंगे अपनी। ऑक्साइड्स और मेटल आर बेसिक इन नेचर। जो ऑक्साइड उनका रिएक्शन बनेगा वो होंगे, वो बेसिक होगा मेटल्स का, और जो नॉन मेटल्स का होगा वो एसिडिक होगा। लेट सपोज हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वहाँ पे हमें 2MgO मिलेगा। ये हमें अपना रिएक्शन बताएगा या ऑक्साइड बताएगा। और अगर नॉन मेटल सल्फर ले लेते हैं, सल्फर को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो हमें सल्फर डाइऑक्साइड अपना ऑक्साइड दिखाएगा। मेटल्स होते हैं उनके जो रिएक्शन होते हैं वो बेसिक होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं उनके एसिडिक होते हैं। पॉइंट नंबर 2, रिएक्शन विथ वाटर। सम मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जो मेटल्स हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, एक तो वो अपना मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और लास्ट में वो हाइड्रोजन गैस आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। नॉन मेटल्स डो नॉट रिएक्ट विथ वाटर। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते। पॉइंट नंबर 3, रिएक्शन विथ एसिड। मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन जो एक गैस है, और मैग्नीशियम क्लोराइड जो एक मेटल साल्ट है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ बेसिस टू प्रोड्यूस साल्ट। नॉन मेटल्स को जब हम रिएक्ट करवाएंगे बेसिस के साथ तो वो प्रोड्यूस करेंगे साल्ट। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो प्रोड्यूस करेंगे सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, और वाटर।